कबड्डी का सबसे बड़ा लौंडा राज जोंस और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एक्सक्लूसिव मौजूद है वन ऑफ माय फेवरेट रैपर जिसको भैया घर वाले प्यार से दिलीन बोलते हैं, मम्मी मैक्स बोलती है और हम सब प्यार से बोलते हैं रफ्तार तालियां। राज बहुत बढ़िया है, ठीक है वहां देखिए और तो बहुत कूल सा देखो एनवायरनमेंट है तो कूल सा इंटरव्यू करने वाले हैं। वेलकम टू आवर ऑफिस। थैंक यू। दिस इज द डीएनएच आर्टिस्ट ऑफिस। अंकित भैया इट्स एंड पापा को सबको पता पूरी दुनिया का बहुत अच्छे डांसर हो, बहुत अच्छे रैपर हो, लेकिन अभी हाल ही में आपने सिंगिंग चालू की है लेट्स टॉक अबाउट लव के बाद वरुण धवन और जॉनी ब्रांड की मूवी एडिट शो उसका टाइटल ट्रैक आपने गाया था, तो भाई सिंगिंग कैसे हुई पहले तो मुझे बताओ। यार बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं सिंगर नहीं था, मैं गा लेता हूँ और ये भी नहीं कहता कि मैं कोई तानसेन हूँ कोई ऐसे सुरगुर, पर मैं स्केल पे गा लेता हूँ, प्रॉपर स्केल पे गा लेता हूँ और काफी ऊंचा भी गा लेता हूँ। काफी शौक था डुच्ची को भी मैंने गाए हैं। It's not rap, it's actually if you listen to it, Chora Chori Party Movie, Dupchi Dupchi Gori, it was sung by me. फिर उसके बाद ये कीड़ा तो था ही गाने वाला थोड़ा सा, तो Instagram love में निकाला थोड़ा सा Let's Talk About Love में निकाला, अभी Flying Jet का track भी मैंने किया था। हाँ, trailer का अच्छा आया था वहाँ। तो जो teaser में है वो नहीं, उससे पहले जब poster release हुआ था उसमें भी थोड़ा सा, so that is also coming। और मेरे को काफी जैसे प्रीतम भाई है और सचिन है, सचिन जी इन्होंने मेरे को खुद बोला था कि एक बार व्हाई डोंट यू ट्राई सिंगिंग, क्योंकि कहते हैं कि आज की डेट में जो फैक्ट भी है इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड यू सिंग, ये डिपेंड करता है कि आपके पास वो अलग टोन है क्या। लाइक मिक्का पाजी को देख लो, इनसेनली गुड सिंगर प्लस इनसेनली डिफरेंट टेक्सचर, अगर वो टेक्सचर ना होगा तो शायद बात अलग होती, क्योंकि सिंगर शायद मिक्का पाजी ऐसा कोई होगा पर वो आवाज जो भगवान ने दी है ना वो एक ब्लेसिंग, वो एक ब्लेसिंग होती है, प्लस होती है। तो गानों गाने इतने हिट है, हम लोग मैं क्या बोलूंगा सुपर हिट है, हम लोग अपने रेडियो स्टेशन में प्ले करते हैं, तो बट आपको लगा नहीं ऐसा कि यार अगर मैं सिंगिंग करूंगा तो मेरे रैप वाले फैन वो थोड़े अलग हो जाएंगे, क्योंकि लोग आपको एज अ रैपर तो मैं खुद जल्दी इनफैक्ट आई एग्री। पता है क्या मेरे साथ हमेशा से स्टार्टिंग से एक फाइट रही है कि मैंने कभी भी कहीं इंटरव्यू दिया है किसी ने मेरे से कुछ पूछा है कि आप रैपर हो, तो मैंने हमेशा बोला कि मैं रैपर नहीं हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि यार मैं डांस करता हूँ, आई सिंग, आई कंपोज, आई डायरेक्ट म्यूजिक, आई राइट म्यूजिक, पर जब इतना सब कुछ किया है अपने जोन की तरफ से, मैंने हॉकी खेली है, स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो अपने आप को एक किसी चीज के अंदर बांध लेना ना, वो एक बॉक्स वाली जो स्टोरी रहती है कि आप में और किसी और में फर्क है, फर्क यही है कि आप बॉक्स में हो और बाकी बंदे आउट ऑफ बॉक्स, मेरे को थोड़ा वो वाला चैप्टर अपना बेटर लगता है, तो आई वुड प्रेफर टू बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। पर इतने मल्टी रिलेटेड कैसे हो यार, हम देखो कुछ नहीं कर पाते, एक चीज ऐसे यार नाम देखो ना हां अमन लोगों के खून में होता है व्हिच इज अ फैक्ट, मेरे फैमिली में आज तक मैंने जितने मनलूज देखे हैं यार वेरी टैलेंटेड, इनफैक्ट कैपी जो मेरी सिंगर है शी इज हाफ मलू, तो शायद मेरे ख्याल से इसमें कुछ बात होगी। इसके अलावा काफी चीज इस पे डिपेंड करता है यार, मेरे मॉम डैड दोनों होते हैं, काफी लोगों को बात पता है मेरे फैंस हैं, मैं फैंस किसी को बोलता नहीं, मेरे जो भाई है काफी को ये बात पता है कि मैं एक वर्किंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि टू बिगिन विद माय डैड स्टार्टेड आउट एज अ जनरेटर इन द रेलवेज सफाई वाले, चौड़ में बोल रहा हूँ आज के डेट में जो कमेंट करते हैं ना की बोर्ड पे तेरे पापा सफाई वाले, उनसे ज्यादा औकात है मेरे पापा, मैंने बनाए और उन्होंने मुझे बनाया, तो उसके अलावा मॉम स्टार्टेड एज अ टाइपिस्ट, तो उनकी मेहनत के बाद मैं यहाँ बना, क्योंकि उन्होंने मेरी पढ़ाई में और प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी, शैतान बहुत अच्छा था पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं थी, क्रिएटिव्स में कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ लड़ाई बहुत थी क्योंकि रेसिज्म बहुत थी, क्योंकि मैं बंदू था और जितने भी स्कूलों में मेरे मॉम डैड ने भेजा वो सारे ऐसे स्कूल होते थे जहाँ सारे रेस के बच्चे आते, वहाँ पे लोग लाते थे वो लंच बॉक्स भी होते थे जिसमें बटन दो पॉप है और यहाँ से शॉपनर निकल रही है यहाँ से, वो ऐसे ज्योमेट्री केस में अपने लिए तो वो सपने होते थे, तो उस टाइम पे जो लोग जो मैंने वो फेस किया है ना कि लो क्लास हाई क्लास वगैरह, शायद उसी की वजह से मेरा एम हमेशा ऐसे रहा कि कुछ अच्छा करना है, मॉम डैड जॉब पे जाते थे हमेशा मैं घर पे अकेले रहता था, मेरे पास दो चॉइस थे या तो बिगड़ जाओ या कुछ सीख, वही टीवी देखना स्टार्ट किया फैशन टीवी की जगह मैं नेशनल ज्योग्राफिक देख लेता था, हम फैशन टीवी देखते थे और हम देखो कहाँ आज नहीं फैशन टीवी की जगह मैं नेशनल ज्योग्राफिक देख लेता डिस्कवरी देख लेता था, तो मेरे को ऐसी पढ़ने का सीखने का बहुत शौक था। पापा क्या करते थे ट्रेन में काफी लोग ना ट्रैवल करते थे, तो होता क्या था वो लोग हमेशा अपनी कॉमिक बुक्स और नॉवल्स वगैरह छोड़ जाते थे, तो पापा हमेशा वो कलेक्ट करके मेरे लिए आते थे, मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और मेरे को पढ़ने का भी कीड़ा हो गया, तो वो नॉलेज
जो गैदर होती रही, क्यूरियस था यार, सिंपल सी बात है, आईक्यू इतना तेज था कि मॉम मेरे को साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाती थी हर सैटरडे को. इनफैक्ट करोल बाग में है, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, वरना मैं बोलता कि तू मेरे को इसलिए याद है, मेरा लालच होता था कि मैं वहाँ पे रोशन दी गुल्फी पे खाने जाऊँ. अच्छा. तो उसके लालच से मम्मी मेरे को लेके जाती थी साइकोलॉजिस्ट के पास. और एक बरूटा जी है, लीना बरूटा नाम है शायद उनका, एक साइकोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस है हमारे बरूटा भाई की, वो नानी लगती है साइड से, उनके पास वो सबसे पहली बार गया था. और कितनी छोटी दुनिया है कि यार उन्हीं का मेरे को कोई मिला जो सारे टाइम में ख्याल रखता है. शी वॉज अ लेडी हू सेड कि आपका बच्चा जो है ये बहुत हाइपर एनर्जेटिक है और इसका आई क्यू लेवल बहुत तेज है, इसको जो करना है इसे करने दो, इस पर बाउंडेशन मत डालो, क्योंकि अगर आप इसे रोकोगे तो शायद जो ये बन सकता है ना वो बन नहीं पाएगा. बेसिकली वही वाली बात है, बिना स्टोन के इवॉल्व हुआ पोकेमोन हो जाए. अच्छे से अपना फुर्सत से इन चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है कि आप टाइम किस चीज़ पर जाया करो. मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन भी था और कभी कभी बुरा भी लगता है कि मैं घर पे हमेशा अकेला रहता था पहले. और अब मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं अकेला रह नहीं सकता, इसलिए ये मेरे सारे ऑफिस में जितने मेरे भाई हैं जिनको एंड में हम शॉट में जरूर लेंगे, इन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरे को रफ्तार होने में. यही सब मेरे भाई हैं, सब कुछ मेरा इनके आसपास रिवॉल्व करता है. और मॉम डैड की खुशी की बात एक सिंपल सी बात बताऊँ, मेरे को लगता है कि अगर कोई मॉम डैड बोलते ना बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो वो आपकी प्रोग्रेस पर रोक है. मेरे घर वाले कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाए, मतलब वो बहुत खुश है पर वो अभी भी ऐसे बोलते हैं कि बेटा कुछ सीरियस हो जाए. उनका और क्या सीरियस हूँ, इससे ज्यादा सीरियस तो कभी हो सकता है, कैंसर हो जाए. नहीं भाई, वो इससे ज्यादा सीरियस तो नहीं हो सकता. तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि यार घर वालों का खुश. पापा हमेशा कहते हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कभी दिखाई नहीं, पीछे से मम्मी बताती कि पापा इतने खुश थे, जो फ्रेंड्स को बुला लिया, सबको ट्रीट दे दी, फन. मैंने आज तक अपने पापा को रोते हुए नहीं देखा, आज तक इवन व्हेन हिज फादर एक्सपायर्ड, जब मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए मैंने उनको रोते हुए देखा. पहली बार जब मैंने रोते हुए देखा वो तब था जब मैंने उनको एक कार दी, तो वो इसलिए क्योंकि हमेशा से पापा को ना होंडा सिटी चाहिए, मतलब तो बात ही अलग है यार, होंडा सिटी तो मतलब बाय गॉड्स ग्रेस. उनको ना हमेशा वैसे कहते हैं यार मेरे बॉस ना होंडा सिटी लेके आए. मैं ये बात बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में था उनको पूछते क्या गाड़ी है इतनी बड़ी है, चाइना से मंगाई है, तब इंडिया में नहीं आती थी, ऐसा कुछ था. ये तब से आपकी मदद, तब से यार कितने हम तीन जने थे, मॉम डैड मैं, हम तीनों को एक दूसरे के अलावा कोई था ही नहीं बातें करने के लिए सुनने के लिए. और रिश्तेदारों को तो तुम जानती है, आजकल तो मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, वो बात अलग है, पर जो आप सक्सेस होते हो सारे आ जाते हैं, मतलब वो बात अलग है. पर मेरे लिए जो टाइप थे वो मेरे मॉम डैड थे. पापा ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, वो क्रच पे छोड़ के जाते थे प्ले स्कूल, जो स्कूल के बाद बाहर जाते हैं और बच्चे रहते हैं, फिर शामों में पापा कहीं उठाते हैं. तो बहुत बचपन में रेलवे कॉलोनी में रहता था मैं चालक कैमरे के पास, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी मॉम डैड की लव स्टोरी हमारी कभी. और ट्रक्स पे रहता था, पापा आते थे आने के बाद, ऑफिस से जल्दी आने के बाद मेरे को खेलने में लेके जाते थे. तो मतलब कितना स्ट्रगल किया यार पापा, मॉम 40 किलोमीटर जाते थे, रोहिणी रहते थे, हम नेहरू प्लेस ऑफिस जाते थे, और उससे पहले उनका ऑफिस था गुड़गांव उद्योग विहार फेस 5, इतनी दूर अंबाड़ी एंटरप्राइज मेरे को नाम याद है, इतनी दूर मामा बस में जाते थे. जब मेट्रो तो किसी ने सोचा था वहाँ मेट्रो बनाएंगे, तो बसों में मैं गया हूँ. उस रोड पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ शिव जी की मूर्ति दिखती थी लेफ्ट हैंड साइड पर और कुछ नहीं बना हुआ था. तो वो स्ट्रगल है उनके, तो बस लाजमी. और मेरे घर वालों ने कभी ये भी नहीं कहा कि बेटा तेरे को जो करना है तो वो मत कर, हमेशा बोलते थे क्या हुआ, पापा मेरे को बोलते थे कि तेरे पापा ने बहुत पैसे बचा रखे हैं, चाहे वो सच है कि झूठ है वो बात अलग है. बोलते थे कि बहुत है, तू टेंशन ना ले, अगर कुछ नहीं हुआ तो दुकान खोल देंगे, भूखा तो नहीं मरेगा, जब तेरा बाप जिंदा है तो भूखा नहीं मरेगा. और मेरे पापा और मेरा इतना फ्रैंक रिलेशनशिप है कि मैं अपने पापा को कभी कभी बेटा बुलाता हूँ और मेरे को बापू बुलाता हूँ, वी आर लाइक इतने फ्रैंक. और बाहर कुछ गलत करने का मन ही नहीं किया, दारू भी नहीं थी पापा ने घर पर पिलाई, स्मोकिंग का कभी शौक था ही नहीं, कभी उसने मेरे को किया ही, तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं. लड़कियां घर पर फोन करके पापा को बोलती थी अंकल ट्रिप पे भेज दूंगा, तो अगर लड़कियों का फोन आता था तो पापा ट्रिप पे भेज देते थे. इतने कूल डैड, सैल्यूट सर आपको. नहीं जनरली, और अगर लड़कों का फोन आता था कहते नहीं सालों शरारत करोगे, किसी के मारोगे, किसी को पीटोगे, घर पर कंप्लेंट आएगी. तो मैं मतलब ये बात मेरे ख्याल से कोई बोले ना बोले, पर मेरे पापा ने मेरे को एक बहुत प्यारी सी बात समझाई. जब मैं कॉलेज गया था, जो फेस बिगड़ने वाली होती है ना प्रॉपर, जहाँ बंदा गलत करता है, बोला बेटा मैंने चाकू को जन्म दिया,
अब चाहो खरबूजे भी गिरेगा खरबूजा चाहो कटता खरबूजा ही है, पर एक बात का ध्यान रखो कि उसकी छींटे घर में नहीं आनी चाहिए। बात समझ गए कि जो तुम करते हो वार करो दायरे में करो, कोई इमोशनली हर्ट ना हो और उसका भुगतान ना मिला करो। मेरे ख्याल से वो सिखाए इन्होंने ऐसे था कि फिर मैंने कभी ऐसा कुछ गलत किया ही। तो यार परवरिश पर बहुत डिपेंड करता है, पैसों पर नहीं डिपेंड करता। लिटरली सर जो आप जितना आपने बताया बताओ भाई, मतलब आपके मॉम डैड को सैल्यूट है, मतलब इतना उन्होंने मेहनत करी आपके साथ। बट देखो जैसे आपने बोला कि उन्होंने आपको ओपन छोड़ दिया कि जो करना है जरूर कर, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, जैसे किसी को रैपर बनना है सिंगर बनना है क्या कह रहे हैं कुछ डॉक्टर नहीं उनको कुछ बोला है। यार मैं देखिए एक सिंपल सी बात बताऊँगा, बहुत प्यारी सी बात पता क्या होता है, कुछ लोग डरते नहीं है लाइफ से, जैसे मेरे मॉम डैड डरते नहीं लाइफ से। हमारे साथ बहुत छोटी सी एक अनुभूति हुई थी जो आज के डेट में मैटर भी नहीं होती। मैं बड़ा हो रहा था, घर वालों को ये लगा कि ये ऐसी किसी जगह जाता है। उस टाइम पे मैं काफ़ी हनी वनी ऐसे लोगों के साथ रहता था और लोगों को लगा कि ये इसको बुरा लगता होगा किसी को घर बुला निकले। 1 BHK घर था वहीं सेक्टर 18 में रहता था, 18 वाले भाई में, तो वहाँ पे गुप्ता टेलीकॉम बहुत फेमस, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर मेरा घर था। पर वो होता सिर्फ एक रूम एक हॉल एक रूम बस। तो उसको लगता था कि किसी को बुलाता नहीं है, इसको शर्म आती नहीं, तो उन्होंने सोचा कि घर खरीदे। जब घर खरीदने के लिए उन्होंने घर बेचा तो वो जिस रेट पे बेचा उसके एक हफ्ते बाद ही पता चला कि वहाँ पे मेट्रो पास हुई है, उसके रेट बढ़ गए बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगा कि 1/3 रेट और बढ़ गया। तो वो एक ऐसे बंदे के लिए जिसने एक जैनिटर बन के स्टार्ट किए, मम्मी जिसने पैकेज बन के स्टार्ट किया, लास्ट में तो वो एक कंपनी की इंचार्ज थी, हेड कर रही थी ट्रैवल्स में थी, एंड शी वॉज मैनेजिंग थिंग्स ओवर देयर। एंड डैड आज के डेट में इंजीनियर की पोस्ट पर पहुँचते हैं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचने वाले समथिंग लाइक दैट। और मतलब इतना कुछ होने के बाद भी हमने जो आगे घर लेना था उसके ऊपर केस हो गया जमीन के ऊपर कि, तो उस टाइम पे हम किराए करें जी, 2-1 साल हम बुराड़ी में रहे जहाँ पे इक्का रहता, इक्का पर बहुत पीछे रहता, तो हम बुराड़ी में रहे। और वहाँ तो फिर ऐसा हो गया कि यार मैं कहाँ रह रहा हूँ क्या हो गया, क्योंकि कंजेस्टेड वाली बात नहीं, जब आप ऐसे एरिया में रहते हो ना तो आप खुद ग्रो नहीं कर पाते। पर मेरे पापा मम्मी हमको फिर फर्क नहीं पड़ता, कहते कोई बात नहीं यहाँ रहेंगे पैसे बचाएंगे जब आएगा वहाँ रहेंगे। तो उन्होंने हमेशा सोचा ये कि बेशक से 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल मुश्किल में गुजार लो, पर अगर ये 5-6 साल मुश्किल गुजार लिए तो बाकी का टाइम बहुत अच्छा है। तो यही वाली चीज़ है यार, अगर कोई कुछ करना चाहता है ना उसको करने दो जी, बोलो भाई मॉम डैड को। हाँ बेसिकली अगर कोई करना चाहता है तो आप उसे करने दो, आपको नहीं पता वो क्या बन सकता है। क्योंकि मेरे मॉम डैड के भी जितने रिश्तेदार आसपास जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो लोग कहते थे कि आपका बेटा इतना शरारती है क्या करेगा, फलाना करेगा ढिकाना करेगा, बच्चों के उनके नंबर आते थे 1 ग्रेड। आज की डेट में बाय गॉड्स ग्रेस सबसे ज़्यादा मैं ही कमा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा खुश मैं ही, और आज उनको बहुत अच्छा लगता है सबको कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो रोकना नहीं चाहिए, मेरे को रोक नहीं थी। और स्पेशली सबसे बड़ी बात बताता हूँ, अगर मेरे घर वालों ने शायद मेरे को बोला था ना कि ये मत कर तू रुक जा कुछ नहीं होगा, तो शायद मेरे मन में फाइट करने का तो होता पर कहीं रोक होती। मेरे घर वालों ने तो गुल्ला छोड़ दिया था, बेटा तू जो मर्जी कर दुकान खोल देंगे, तो एक शर्म आ गई, कह रहा यार इतनी छूट दे दे अब नहीं करा तो लानत है। तो एक बार छूट दे के देखो, क्योंकि जो छुट्टा साठ होता ना वही घुसता है। आपने बोले रिश्तेदारों को, उनका क्या था रिश्तेदारों, अब जो इतने सारे रिश्तेदार आपके हो गए उस टाइम पे क्या था? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली हमारी फैमिली है बहुत ऐसे बड़ी बड़ी टाइप, ऐसे कुछ ज्यादा मिलते ही नहीं है आज के डेट में, ज्यादा नहीं मिलते हैं। पर वही है कि मतलब जितने भी आस पड़ोस वाले थे, क्योंकि मैं शैतान बहुत, और शैतान होना अच्छी बात है यार, शैतान बच्चा ही क्यूरियस होता है। मेरे ख्याल से शैतान बच्चा ही होता है जो बाकी दुनियादारी को जान पाता है, जो घर बैठा रह जाता है वो घर ही बैठा रह जाता है। तो आज वो तारीफ करते हैं, पहले बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी टीचरों ने भी बोला। इनफैक्ट मेरे को याद है आज की डेट में, सर सॉरी मैंने आपका दिल तोड़ दिया, मैंने आपके इरादे नाकाम कर दिए, और मेरे एक ड्राइंग के टीचर थे जब मैं हॉस्टल में था, शिवा शिक्षा सदन सोनीपत में, मेरे को उनका नाम नहीं याद, शायद उन्होंने मेरे को मोटिवेशन के लिए कहा था, पर उन्होंने मेरे को बोला था खाले तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, और उनकी जबान इतनी कड़वी थी वो माँ बहन की गाली करके बात करते थे, हॉस्टल में था जाटों के बीच में था, समझ ही सकते हो। तो वो बात मेरे दिल पर ऐसी लगी ना कि मेरे को आज तक याद आती है। भाई साहब आपको तो करके स्पेशली दिखाऊँ, इसलिए मैं आज तक भूला ही नहीं। पर फिर मैंने सोचा कि अगर उन्होंने शायद ऐसा ना बोला होगा तो मैं ये ना बनता। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड से कि सर आपकी एक नाने मेरे को हाँ बना दी, राह बना दी इनफैक्ट, सही बात, और दूसरों को राह दिखा दी। हाँ मेरे को भी मीडिया से होगा, तू खोटा सिक्का कुछ नहीं रहे, ये तो सबसे अच्छी बात होती है, खोटा सिक्का आप देख पाता है, यू सी थ्रू अ खोटा सिक्का, क्योंकि जो पूरा सिक्का होता ना उसके अंदर क्या पता नहीं चलता।
भाई हम वापस आते हैं म्यूजिक पे। अभी आपका ट्रेंड रहेगा टिशु में, तो भाई को बताओ कि अभी आप मुंबई में थे, वरुण धवन के भाई के साथ प्रमोशन कर रहे थे जॉन इवेंट के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे ट्रीट करा भाई आपको? यार मैं कैसे कैसे बताऊँ, एक तो मेरी स्टोरियाँ ऐसी होती है ना, लोग सोचते हैं आदि तो ये बना के बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी बहुत फिल्मी रही है। अच्छा, यूट्यूब पे एक वीडियो है जो मैं इसके बारे में दिखाऊंगा। ठीक है, आज से 5 साल पहले ना 2010 में एग्जैक्टली जॉन अब्राहम डाइट पेप्सी की एड के लिए यहाँ पे था। एड नहीं था, एक इवेंट था जिसमें क्या करना था, कैलरी काउंटर उन्होंने एक लगाया था कि अगर आप पेप्सी पियोगे तो कैलरी काउंट होती रहेगी, वहाँ पे दुनिया साथ में जंप मार के बेसिकली यू आर बर्निंग कैलोरीज विद जॉन अब्राहम। एंड मैं उनके ना बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ गंजा, वो मुझसे पूछते हैं कि करना क्या, मैंने कहा भाई बस जंप करो। तो मैं देख के, क्योंकि एक वो ना मल्लू मल्लू वाली बात, मेरी मॉम ने बताया था कि इज हाफ मल्लू, यार क्या कर गया वो, एक ना आई जाती है जट जट जाट जाट मल्लू मल्लू फीलिंग आई थी, क्या बनता है फीलिंग आ गई। अब जब मैं उनसे मिला था, उनको मैंने वो वीडियो दिखाई, ही कुडंट बिलीव द फैक्ट दैट आई एम अ मल्लू फर्स्ट, ही हैड हर्ड अबाउट माय नेम, देन समबडी कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम कि भाई वो मल्लू है, वरुण ने कॉल किया, आई वोंट बिलीव योर फादर इज अ मल्लू, तुमने क्या बात कर रहे थे, यू स्पोक टू मी ऑन द फोन, वो मेरे को मिले एंड द वे ही ट्रीटेड मी, हमने कॉफी मंगाई थी तो आई एक, तुमने कहा दोनों ले जाओ, आएगी तो दोनों पियेंगे, और बहुत बड़ी बात होती है यार, डजंट नीड टू डू दैट। और कॉन्स्टेंटली कोई भी फोटोग्राफ क्लिक हो रही है, देखो मेरे साथ क्या है, मैं अपनी औकात जानता हूँ अच्छे से, मैं जरूर अच्छे से नहीं जब इन लोगों की प्रेस फोटोज हो रही थी तो मैं घुसता ही नहीं था बीच में, मैंने कहा घुसूंगा फुद्दू करके दिखाऊंगा, वो कैमरा टेढ़ा करके सिर्फ वरुण धवन की रहेगा। वरुण धवन और जॉन अब्राहम के सामने रफ्तार इज नो गो, ठीक है मेरी अपनी फैन फॉलोइंग है, पर यार वो एक्टर्स का नहीं अलग ट्रैक है, अलग जोन, तो मैं इस चीज समझता हूँ, तो मैं नहीं जानता, पर ये लोग खींच के बुला लेते थे कि ना नहीं नहीं बीच में आओ। और कितनी अच्छी बात वरुण भाई ने बोली थी और जॉन भाई ने बोली थी कि जो सिंगर्स होते हैं ना उनको म्यूजिक वीडियो में होना चाहिए, क्योंकि मेहनत उनकी आवाज़ उनकी, हमसे अगर लिपसिंग भी नहीं होता ढंग से हम क्यों करें, क्योंकि जॉन भाई को बहुत प्रॉब्लम होती है लिपसिंग करने में, ऐसी चीज़ होगी, ही कैन डू सॉन्ग्स बट रैप वगैरह इट्स नॉट हिम, समझ रहे हो, बंदा सेम चीज़ करने के लिए नहीं बना, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और वरुण भाई के साथ कैसे कि राघव जो है, राघव ने उनके साथ मूवी करी है, तो उससे पहले ये मूवी जिस दिन उनका शूट एंड हुआ था ना, तो उनको एक फाइनल कट करा था, उस दिन फिर उन्होंने पार्टी करी थी, वहाँ पे मैं ऐसे गया था, मुझे नहीं पता था कि वरुण धवन भाई आ रहा है, वहाँ पे गया एंड वरुण इज एन एवरेज रैप लिसनर एंड रैप लवर, तो उन्होंने मेरे अपना टैटू देखा तभी उनका और बोला कि रिसेंट द गेम, मैंने कहा भाई लिसन से तो बहुत आगे वाली बात होगी ना, तो कहते मैन आई लव हिम, अभी तक मैं किन लोगों के गाने सुनता था और सोचता यार पता कैसा लगता है, अब मेरे को समझ आया इस सॉन्ग लेकर, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये सब। तो ये चला, फिर वहाँ पे उसने मेरे को बुला लिया भाई ने कि शूट और मीडिया चार कर के आ जाओ, एंड वी डिड दैट स्लो मोशन डांस, और मैं झिझक रहा था पहले जाने में, उन्होंने कहा ना यार, तो वो भाई इतना फ्रैंक हो गया, जिस दिन हमारी ये मीडिया प्रमोशन थी सो मैं मेरे फोन पे रफ्तार पाजी, हालांकि वो मेरे से बड़े हैं उम्र में, और रफ्तार पाजी कैसे, मैं कहा बहुत बढ़िया, मैं कौन फिर मैं वरुण बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई कैसे हो, हमें मैं तो ऐसे हो गया यार, फिर कैसे कॉल कर दिया, तो हमने कहा भाई आज बहुत फन करना है अपने को, ऐसे ऐसे थोड़ी बारिश हो गई है, थोड़ा लेट निकलेंगे, भाई उसको मुझे क्या बताने की जरूरत है, लेट निकलेंगे, बट ही डिड इट। शोज की आप जितने भी ऊपर चले जाओ, आपको ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, ये चीज़ अगर लोग सीख गए ना तो बहुत फायदा हो जाएगा, लोग ये नहीं समझ पाते कि ग्राउंडेड रहना, क्योंकि भाई देख अगर तू रात जमीन पर चल रहा ना, तो यहाँ से गिरेगा तो सिर्फ घुटनों पर लगेगी, हवा से गिरेगा ना तो शायद खत्म भी हो सकता है, और ऐसा बहुत होता भी है इंडस्ट्री में, ये चीज़ें सीखो यार, बड़े लोगों से बड़ी चीज़ें सीखो, ये मत सीखो कि उसके कितने एफआईआर चले थे, वो कौन से नशे कर रहा है, उसके अच्छे सीखना कि उसने अच्छा क्या किया लाइफ में, लोगों को सिर्फ खामियां दिखती है, तो आपने ये सब चीज़ें उससे, ये सब चीज़ें मैंने इन दोनों को देख के देखा यार, मैं बैकग्राउंड डांसिंग कर रहा था जॉन भाई के पीछे, आज मैं उनके साथ खड़ा, मैंने उनके लिए गाना किया, वो मेरे वोकल्स के ऊपर वीडियो में कर रहे हैं परफॉर्म, तो मेरे लिए क्या बड़ी बात नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, लोग मेरे को टेक्स्ट करते थे नीचे तो कुछ नहीं कर पाएगा, साले मैंने कुछ किया करते तू टेक्स्ट कर रहा है मेरे कमेंट में, सही बात, तो ऐसे आर्ट और लुंडरू लोग भरे पड़े हैं ना, नेगेटिव बोल रहा हूं, मतलब सबसे बेस्ट चीज जो कमेंट होती है ना वो यही होती है कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो तू यहां अपनी पीडिया करवा रहा है अपने बैठ का, समझ लिया मैं। अच्छा वो जो वीडियो आपने देखा है जॉन को, उसके बाद जॉन भाई का क्या रिएक्शन था? सबसे पहली बात तो मैंने मेरे को बोली कि यू हैव सच एन ओल्ड वीडियो ऑन योर फोन, तो मैंने बोला भाई मैं स्टॉकर नहीं हूँ, क्रीप नहीं हूँ, ये देखो मैंने यूट्यूब पे निकाला, तो वो दिखाया, मैं यू कांट बिलीव इट, मतलब इट वाज अ गुड फीलिंग है, मतलब समझना, देख आज भी मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं, नाउ ही रिमेंबर्स मी, ही विल रिमेंबर मी
और मेरे लिए तो एक अचीवमेंट होगी ना। सही बात है। इससे मुझे ज्यादा देखो एक जेनेट टू में गाना था तेरा दीदार हुआ पीछे भाई नाच रहे सेम स्टोरी वो कैसे हुआ था वो तो आप डैम डैश कर दिया यार वो तो ऐसी रैंडम एक दोस्त को कॉल आ गया कि आज दिल्ली में शूट हो गया तो उसके लिए बंदे चाहिए हम मैं उसी टाइम डीआईडी करके वापस आया था और उस टाइम पे पैसे वैसे तो घर से देखा कुछ मिलते नहीं थे तो पॉकेट मनी अच्छी मिल रही थी दो दिन की शूट के 3,000 रुपए पड़े थे सस्ता तो 3,000 भाई डांस मैंने कभी सीखा नहीं है सिर्फ सिखाया है नेचुरली डांस सिखाया है उससे पैसे कमाए हैं उसी ने इनिशियली मेरे को रैपर बनाया क्योंकि अगर वो पैसे ना होते तो मैं शायद पैसे जोड़ के स्टूडियो ना जाता तो ऑनलाइन गाने ना डालता तो मैं चुपा जी हनी इंफान इन लोगों के पास नहीं पहुँचते ठीक है ना और बहुत ज़रूरी है ये एक स्टेप है तो जिस चीज़ ने मेरी शुरुआत करी मैं उसको कैसे छोड़ूँ नहीं छोड़ूंगा आई एम गुड एट डांस मैं टीचर रहा हूँ काफ़ी लोगों को और मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं तो कैसे इट इज लाइक यार एक प्रेयर हो गई सारी चीजें आप म्यूजिक में वापस आते हैं देखो अभी गाना आपका आगे शुरू है इससे पहले आप स्वच्छ भारत अभियान की राह पर थे एक आपने निकाला है क्यूट वॉल्यूम वन तो वो खुराफात आपके दिमाग में आई कैसा लगा बहुत ऑनेस्ट एक बात मैं वो क्लियर कर देनी चाहिए ठीक वैसे तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं खुल के मुंह में बोलता हूँ मेरे को दिक्कत है पर क्यूट वॉल्यूम वन लिखना मैंने स्टार्ट नहीं किया था ये TVF में जिजी है बहुत प्यारा बंदा है उसने लिखना स्टार्ट किया था बहुत अच्छा फेम किया था और उनका आइडिया था मैंने सुना मैं कहा यार तुम मेरे से ही क्यों करवाते हो ये वाली काम हाँ। तो उनकी एक बात भी सही थी कि भाई कोई और करेगा तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आप करोगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा मैंने लिखा ठीक है फैक्ट भी है और मजा इस चीज में कि कोई चीज जो गंदी है उसको कैसे आप साफ कर सकते हैं मतलब मेरे ख्याल से उसी के ऊपर करना और उसके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं है अगर है कोई किसी को प्रॉब्लम तो गाना क्लेम कर ले कंपनसेट कर देंगे पर है नहीं ना किसी को प्रॉब्लम किसी का गाना ही नहीं है हाँ। तो गाना तो हमने स्क्रैच से बनाया ना कोई प्रूव कर सकता कि किसी और का गाना है तो बात ही खत्म हो जाती है पर उसकी खुराफात थी फिर मैंने लिरिक्स थोड़े चेंज किए लास्ट वाला वर्स जो उसमें थर्ड वर्स है हाँ। वो रफ्तार का ट्रेडमार्क जो सोशल मैसेज है टेंशन के भी छोड़ छोड़ साथ में उसमें मैंने ये बोला कि भाई तू चौड़ में है मैं जेंटल में बात तो वो वहाँ पे हुआ उसके बाद अभी ये तोड़ इशू में जो लाइन थी पर लाइव कोई हनी सिंह का वीडियो नहीं ये गाना मैंने नहीं लिखा इसमें भी लास्ट वर्ड मयूर गुरु ने लिखा है और बहुत अच्छा राइटर है उन्होंने वो लिखा था बाकी बातें पीने वाला आप भी जो इस मूवी में सिंग किंग एक वर्षन उन्होंने इज अ गुड राइटर तो उन्होंने लिखा तो मैंने एक बात यही बोली कि भाई अगर मैं करूँ ना दुनिया को बहुत गाली देगी अगर भाई दुनिया तो गाली देगी देगी चाहे करो चाहे ना करो पर ये जो लिखा है हमारे कहने का मतलब ये है कि वो जैसी वीडियोस बनाते हैं वैसी लाइफ नहीं होती मतलब इट्स नॉट दैट फ्लैशी ठीक है ना इट वाज नॉट सेइंग कि हनी सिंह खराब है या कुछ है कहने का मतलब वो जितने बड़े लेवल पे वीडियोस बनाते हैं वो जितनी रंगीन दिखती है जिंदगी इतनी रंगीन नहीं है कि मेरे आजू बाजू की मैं ब्लीप्स नचती बट लाइफ कोई हनी सिंह का वीडियो नहीं सो इट इज लाइक ये तो मैं बताता हूँ खुल के लिए तो भाई रिस्पेक्ट देने वाली बात हो गई कि उन्होंने कंपेयर इस चीज से किया कि हनी सिंह की वीडियोज के ऊपर कोई वीडियो नहीं पता नहीं इस बात पे लोग क्यों नाराज हो जाते हैं सबसे बड़ी दिक्कत ये यहाँ तो एजुकेशन ही जहाँ दिखा वही पीछे जिसने मर्जी के तो ये बात मतलब लोगों को पता चल गई कि देखो भाई आपने कुछ नहीं किया था वो राइटर्स ने आपको नहीं मैंने चेंज कराने की कोशिश करी थी कुछ पर फिर उनका पॉइंट भी मेरे को इतना वैलिड लगा कि भाई आप बात सही कर रहे हो अगर मैं बोलता लाइव कोई रफ्तार का वीडियो नहीं देखो मैं इतनी बड़ी बड़ी फ्लैशिंग वीडियोज बनाते हैं वो बनाते हैं ऑफकोर्स बनाते हैं नियर्स मेड ग्रिप वीडियोज ठीक है बादशाह भाई भी बना रहे हैं मैं आगे बनाने वाला हूँ जितनी मेरी प्लान्स हैं इंस्टाग्राम पर मैंने काफी अच्छा डेविड ज़ेलिन शूट किया था वो आगे सब जो भी हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है बड़ा ही हो रहा है ठीक तो वो मतलब कंपैरिजन है यार मतलब आप एक माइलस्टोन दे रहे हो कंपैरिजन बहुत बढ़िया है और वैसे भी यार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ राज जोन्स के शो पे पहली बार बोल रहा हूँ कि भाई मेरी और हनी भाई की भाई बोल रहा हूँ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार था जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं पूरी हुई तो नाराजगी हो जाती है और बंदा अपने बंदों से ज्यादा नाराज होता है अगर वो पराए होते तो अगर जैसे तू पराया होगा मेरा तो मैं जब कहता बोल दिया चल कोई बात नहीं क्या होगा 10 गाली दूंगा बात करो पर जब अपना कोई कर जाता है वो दिल पे ज्यादा लगती है
वही वाली प्रॉब्लम थी। आज की डेट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मीडिया की आदत हो गई है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो एक हनी वाली बात मुझसे पूछ लेते हैं। उसमें अगर मैं कोई बात बोल देता हूँ, जैसे अभी उन्होंने मेरे से पूछा कि विल यू एवर डू अ सॉन्ग विद हनी सिंह, तो मैंने कहा बादशाह भाई शायद कर लें, मुझे अपना पता है कि मैं नहीं करूँगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं नहीं करूँगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि मैं, मेरे अंदर वो एक बात है, वो हमेशा रही, मैं एक स्कॉर्पियो हूँ यार, सीधी सी बात। तो वो मैं नहीं करूँगा, पर मैंने बहुत तरीके से बोला, ऑल आई कैन से इज अबाउट माई सेल्फ। जो मेरी प्रॉब्लम है, मैंने खुल के बोलिया कि यार पर्सनल प्रॉब्लम है। और आज की डेट में मैं बोलता हूँ, सब इंडस्ट्री के लोग यही बोलते हैं कि जो है खत्म है, बहुत बीमार चल रहा है भाई, जल्दी न्यूज मेरे पास आई है, लेट्स प्रे फॉर हिज हेल्थ। And if he gets better, तभी मजा है, क्योंकि आपको भी तभी मजा आ रहा था जब मेरी और हनी भाई की आपस में चल रही थी। वो लोगों को मजा आता है यार, जब तक मोदी नहीं होगा भाई साहब, मोदी जी नहीं होंगे, राहुल गांधी नहीं होगा, केजरीवाल जी नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे, तो आपस में तो पॉलिटिक्स देखने में मजा नहीं आता। वहाँ पे भी तो क्या होता है, इतनी बड़ी पोजिशन पे ये सब लोग हैं, ट्विटर पे एक दूसरे को ट्रॉल करते रहते हैं, है ना। 15 साल के बच्चे यही कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कॉम्पिटिशन भी मजा। ठीक है, तो इस पर वापस आएंगे थोड़ी देर बाद। इससे पहले जो बात कर रहा था क्यू वाली मंडी में, तो बहुत देखो गाना इतना अच्छा था, स्वच्छ था बहुत। तो बादशाह भाई को सुना आपने गाना? हां बिल्कुल सुना, उनको बहुत पसंद आया। बहुत फनी है, मैं और बादशाह भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जो शेयर करते सब कुछ शेयर होते हैं। वो तो मेरे से ऐसे ही बोलते हैं भाई बड़ी मुश्किल से जूते मिले यार, इजी। हां मतलब लोगों को लगता है कि इजी मिल गए, उनको एडिडास से स्पॉन्सर किया हुआ 1.5 लाख रुपए खरीदे उन्होंने ब्लैक में, मिलते नहीं है। तो हम इतनी इंट्रिकेट बातें भी आपस में शेयर करते हैं। फिर वो कहते भाई लेगा भाई 1.5 लाख रुपए जूते, दो बारी कुर्मास की हालत खराब हो जाएगी अपने से, तरीका जूतों का हमें तो बहुत शौक। हाँ देखिए, और पर एक मैं प्रैक्टिकल भी हूँ थोड़ा, भाई वो छाप भी ज्यादा रहे सीधी सी बात है, पर अपनी जो चीजें चल रही है सही चल रही है, तो वो अपना भाई चाह रहे हैं। वो तो बोलते हैं यार क्या करता रहता तू, तो वैसे भी कह रहे हैं अच्छा यार ये गाना अच्छा लग रहा है, पहला वाला पता नहीं कैसा होगा। ठीक, DID से रैप का कैसा है यार? DID के टाइम में मैं रैप करता था, तब मैं था माफिया होगी जब मैं DID के लिए गया, और DID पे जाने के बाद मैं वापस आया, उसके बाद चीज़ें देख ली थी, तो रैप ही मैं करता था। और मेरे ख्याल से DID में भी अगर आप एपिसोड्स देखोगे तो उसमें मैं कुछ ना कुछ टूटा फूटा रैप करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो भाई जब आप रैप करते थे उस टाइम पर आप किन किन आर्टिस्ट को सुनते थे? यार मैं स्टार्टिंग से सुनता था द गेम, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ही सी हमारी यहाँ की लाइफ स्टाइल और उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत लड़ता है। वहाँ पे बींग अ गैंगस्टर इज नॉट नेसेसरली कि आप लोगों को मार रहे हो, बेसिकली आप कितने रियल हो और आप कितने ट्रू टू द स्ट्रीट्स हो, आप वापस कितना दे रहे हो, वो वापस कितना देता है। ही एज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड द रॉबिन हुड प्रोजेक्ट, जहाँ वो लोगों को हेल्प करता है। अभी पता नहीं कितने $50,000, $1,00,000 का तो पानी पानी सप्लाई करता है लोगों को। अभी किसी पुलिस ऑफिसर के लिए $50,000 कलेक्ट करें क्योंकि ही डज गुड टू द ब्लैक कम्युनिटी। तो ये फिलान्थ्रोपी वगैरह भी देखनी चाहिए यार। मैं आइडल ऐसी चीज़ को मानता हूँ जो अपने आर्ट में भी बहुत ट्रू है, देखो ज़्यादा कमर्शियल काम करता नहीं, और मैं भी कोशिश करता हूँ, वो नहीं पता। और तीन उसके बच्चे हैं, उनसे भी बहुत प्यार करता है, तो वो भी ही इज़ अबाउट फैमिली, आई एम अबाउट फैमिली। सो जल्दी मैं गाना भी करता हूँ। क्यों रिलेशन आपकी भाई, जिसको सुन के बड़ा हुआ हूँ, इतना कुछ अचीव कर लिया, जो जो सोचा था वो सब कर लिया, रहमान सर के साथ कर लिया। रहमान सर ने बोल दिया कि यू आर अ वेरी यूनिक आर्टिस्ट, तो उसके बाद तो मैं किसी की सुनता ही, क्योंकि आपकी सलाह मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भगवान ने बोल दिया कि मैं बहुत अच्छा। जी बाबा दादा भाई, आपके दूर था एक्का सिंह के साथ, मेरे ग्रुप का नाम था ब्लैक वॉल स्ट्रीट डेसीज, क्योंकि गेम के ग्रुप का नाम था ब्लैक वॉल स्ट्रीट। हमने यहाँ पे बनाया ब्लैक वॉल स्ट्रीट डेसीज, गोलू के घर पे बहुत बड़ा दीवार थी, वो ब्लैक करके उसको सारा ग्राफिटी करी थी जैसी वैसी आती थी। फिर उसका हम नाम चेंज करके किया स्ट्रीट किंग्स, और स्ट्रीट किंग्स के बाद हम ये बना के माफी मिली। बना कैसे यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था जो स्कूल का, बचपन का, उसका कजन है गोलू, तो मैं गोलू से मिला, और उस टाइम पे बोहेमियावादी के गाने आते थे, वो सुनना स्टार्ट करें, और वो सुनने के बाद मैंने कहा हम भी कर सकते हैं, तो क्योंकि उससे पहले मैं इंग्लिश सुनता था और इंग्लिश में रैप लिखता था, तो ऐसे लगता था यार ये राइमिंग ही तो कर रहे हैं, कैट बैट मैट राइट तो मैं भी कर लूँगा। वहीं मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद बाद में पता चला कि नहीं भाई बहुत इंट्रिकेट है, सिलेबस मल्टाइज आपका फ्लो, वर्ड आप बेंड कर सकते हो जबरदस्ती अगर किसी और के साथ राइम करना है, दैट इज द वर्ड प्ले। और आप मुहावरे और लाइफ की इन चीज़ों से कनेक्ट करके, मतलब इसके रेफरेंस से आपने ये बात बोली है, वो रेफरेंस कनेक्ट करना,
ये सब इजी नहीं होता, तो वो सब चीज सीखी, फिर पंजाबी में रैप लिखना स्टार्ट किया एज यूजुअल, सारे लाइक बॉनबी बोहेमिया, और हम सब ने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट की, पर तब मैं इंग्लिश में लिखता था, मतलब जब हम डबिंग करते थे मैं एक कब बोलूँ गोलू के थ्रू मैं एक कब बोलूँ, और तब हम गोलू के घर पर जाते रहते थे जगतपुरी में, कुछ नहीं करता था, डब करता था, रिवर्ब लगा के आवाज फुल करके सुना देता, हम कहते थे भाई हो गया यही है, तो जब बाप में आके अपनी गाड़ी में सुनते थे कुछ अजीब सा लग रहा है, ये तो असल में बर्तन के अंदर गुजार के गा रखा हो, तो अब गोलू बड़ा फनी है मालूम में, वो बात ही ऐसी करता है, तो मतलब वो वाला एक स्टेज था, हमने क्रू फॉर्म किया, गाने रिकॉर्ड करते थे, और इक्का की एक बहुत खास बात मेरा मन करता है मैं प्रोडक्शन भी करूँ, कर भी रहा यार, अभी सुखिया मेरे को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला है इसी पे, तो गाना म्यूजिक मैंने बनाया था, सुखिया मेरे को थोड़ा सा उसका डुप्लीकेट भेजा था, पूरा गाना मैंने किया, सेम हैपेंड विद जैगुआर, मतलब बोहेमिया वाली को भी शायद पता नहीं है बात, जैगुआर की प्रोडक्शन भी पूरी मैंने करी, अरेंजमेंट मैंने करी, वो तो मास्टर ही नहीं रहा, और उस गाने आने के बाद ही बोहेमिया वाली मेरे को बोलने लगते हैं, मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई यार, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड, देयर इज नथिंग इन माय सॉन्ग्स, there is nothing I have ever said to disrespect, but I don't know what happened. Maybe it was just the fact कि जैसे East Coast West Coast चला था ना, तो वो खुद ही naturally divide हो गया कि यहाँ देसी pop गाना आया है, क्योंकि ये मतलब ये अलग clan है और ये मेरा अलग clan है, तो शायद ये बात हो गई होगी, पर any case उनको मैंने कभी जवाब नहीं दिया, उनके बनता भी नहीं है, क्योंकि मेरी कोई genuine problem नहीं है, कोई है ही नहीं, अगर होती तो I'm really sorry, with all due respect शायद मैं जवाब देती, पर मेरे को कुछ बुरा फील नहीं हुआ यार, मैंने उनको सुन के मैं हमने करना स्टार्ट किया, मैंने गुरु ने सबने बादशाह बाजी की सीधी सी बात, उन्होंने बादशाह बाजी को भी सेम बात बोली, मोटे मोटे रैपर भाई, दुनिया का सबसे फेमस रैपर लेजेंड बिगी मोटा, तो मतलब ये एक ये वो वाली बातें हैं जिनपे रिएक्ट करें, ठीक है, तो हाँ, तो जिस टाइम आपका ग्रुप था गोलू भाई के साथ इक्का भाई का, उस टाइम पर कौन कौन से गाने निकाले हैं, क्योंकि मैं ढूंढता नहीं था, अब शायद वो मेरे को मेरे के नहीं पता क्या हुआ, नाम कैसे कुछ क्या होगा, पहले एक तो रिकॉग्निशन पे गाने डाले थे, हाँ रिकॉग्निशन माई स्पेस पे गाने डाले थे, माई स्पेस के तो पासवर्ड उड़ गए, और ग्रुप पे ना कम्युनिटीज पे मैं रैप बैटल करता था, मैं रैप बैटल नाम की कम्युनिटी होती थी, हाँ बैटल करता था, मेरा उस पे नाम था ओनीमैक्स, ओनीमैक्स कुछ लोग मेरे को अभी भी पहचानते हैं जो अभी भी अंडरग्राउंड से रिलेटेड हैं, वो कहते भाई वही है ना, और उस टाइम बड़ी फीलिंग आती है यार, बहुत सही कर रहा हो गया, उस टाइम पे होते थे NWA वाले लोग, स्मोकी वोकी सब उस टाइम से है, मतलब भाई फीलिंग है, मैं क्या हो रहा हूँ, बिल्कुल फिल्मी स्टोरी रही है, कुछ कुछ गाने नाम बताओ यार, जब एक गाना था राइट लव, राइट लव, हाँ ठीक, उसमें मैं बिल्कुल एकदम ब्लैक इंग्लिश रैप, उसमें इक्के का रैप बहुत अच्छा था, और एक गाना इन द क्लब किया था, गोलू का गाना था जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाना था, ऐसी कुछ कुछ गाने डाले थे ब्लैक होल्स, अब जैसे गेम की जो भी बीटें थी, वन ब्लड हो गया और डोप बॉयज हो गया, ये वाली जो तीन वीडियो को हमने करना ही करना है, ये भी करके ऐसे डाले थे, और काफी गाने तो बना के खुद ही सुने हैं, ठीक यार, वो ये कुछ गाने तो आउटपुट डिलीट हुआ, और आउटपुट मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे को वो पासवर्ड मिल जाए, पर उस टाइम पे क्या है वो अकाउंट ही वही वाला था, और एक दिन था जब मैंने अनाउंसमेंट की थी onimax@gmail.com red devil ऐसे ऐसे दोस्तों के होते थे, पर मेरा था onimax@ उस टाइम पे थोड़ा वो बचपन वाली एज होती है एंजल प्रिया जैसे, मेरा था stumdog_record@gmail.com एग्जैक्टली, मतलब वही वाली फीलिंग, तो उसका पासवर्ड कुछ नहीं पता नहीं क्या लिखा हुआ उस टाइम की फीलिंग में कुछ लिख दिया हुआ, बहुत कोशिश करी भाई वो रिकवर ना अकाउंट हुआ ना कुछ हुआ, वरना बहुत कुछ होता दिखाने का, फोटोज ही ऐसी ऐसी दिखा देता तो वायरल की लोगों की नहीं कुछ भी वायरल नहीं हुआ ब्रो, जो जो चीजें लोग डिनाई कर दिया ना वो मैं सारी दिखा देता, बहुत प्यारी प्यारी फोटो दिखा रहा, ठीक है भाई, वो इसके बाद आप हनी सिंह से मिले थे भाई से, और माफिया मुंदीर के मेंबर कैसे बने ये सो ही बताया, यार देख फैक्ट ये था कि हमारा ये गाना which was right love वो हमने डाला था रिकॉग्निशन, वो ही मैंने रैपर्स की कम्युनिटी के अंदर गाना था, और वहाँ पे नए नए थ्रेड्स बनते थे, और उस थ्रेड पे वो गाना बहुत चल गया, लोग कहते थे बहुत सही है,
सिर्फ रिवर्ब थोड़ा कम कर देते हैं वो, और अपने को सेम प्रोडक्शन की आदत है, मिक्स क्राफ्ट यूज करता था मैं। और मिक्स क्राफ्ट में भी एडिटिंग हमारी प्रॉपर होती थी, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ ऑफ टाइम प्रमोशन लग रहा है पर नीचे आज तक बीपीएम सेट नहीं किया था क्योंकि पता ही नहीं ध्यान से, मतलब ध्यान से कि मतलब ये यही लगेगा बीट पे, बीट मतलब बिल्कुल प्रॉपर आएगी, कहीं पे ऐसा नहीं हुआ मिस हो जाएगा, नहीं हुआ। पर बीपीएम नीचे नहीं सेट कर रखा। अच्छा, इतनी नॉलेज थी तो वहाँ पे करते थे, और लोगों ने बहुत कहते थे वहाँ पे नीचे लिखा है हरी से, और कहा कि लव योर वर्क शेरो। अब उस टाइम पे मैंने सोचा कि भाई ने लिखा शेरोन, वो वाई वाई वैसे में कहते हैं शेरोन, तो कहा वेरी गुड जॉब शेरो, सेंड मी मोर ऑफ योर स्टफ। भाई हम उस टाइम सुनते थे भाई के गाने जो आते थे गोरे गोरे काले काले, जो बॉलीवुड रिवर्थ, जो बॉलीवुड रिवर्थ नहीं भाई, जो अंडरग्राउंड गोरे काले, उनकी जो बीटें होती थी ना वो बिल्कुल टेम्पलैंड स्टाइल होती थी, और हनी वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्पलैंड। हमको भी ये चीज पहले सी और मजाक की बात थी, हमने कहा था कि यार इस बंदे की बीट ना बड़ी अलग होती है, और हनी ने बुला लिया। अब कमाल की बात है, यहाँ पे होती है मिसकंसेप्शन क्लियर कर। उसके बाद मैंने इनको ना गाने चेंज, उन गानों में एक गाना था जिसमें लिल गोलू ने हिंदी में रैप किया था, पूरा हिंदी में, हम सब तो भाई पंजाबी इंग्लिश इंग्लिश। उन्होंने बुलाया मेरे को, और जब मेरे को बुलाया तो उन्होंने ये सोच के बुलाया कि हिंदी वाला रैप मैंने किया। अच्छा, ये बात बाद में हुई है, ठीक है कि हिंदी वाला रैप मैंने किया, पर बुलाया मेरे को अकेला था। देखो यहाँ के दो फैमिली थे, एक कि उनकी गलत फैमिली थी, जो उनको पता उनको पता चली है, दो महीने बाद पता चली है कि हिंदी वाला रैप मेरा नहीं था। और पहली चीज़ ये थी, बुलाया मुझे सिर्फ अकेले, पर मैंने ज़बरदस्ती फिल करके मैं सबको गाड़ी में बैठा के ले गया। अगर कोई ये बात डिनाई कर दे तो कभी ग्रुप सेशन कर लेना एक बार। मैं सबको ले गया, मैंने अंदर जाके लिटरली ऐसे बोला कि भाई एक बार आप सुन लें, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं इनको भेज दूँगा, पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारे अंदर गए स्टूडियो में, ओखला फेस टू होता था, टी वी ग्राफ होता शायद, तो सबने रैप सुनाया अपना अपना। हनी भाई को अच्छे लगे, कह रहे यार सबको साइन करना पड़ेगा, ये क्या बोला पड़ेगा, तो साइन माइन तो क्या ब्लैक पेपर पे करेंगे, पता नहीं क्या है। तो बुलाया सबका, हो गया ऐसे ऐसे, फिर जब धीरे धीरे होने लगा, सब इवॉल्व होने लगे, तब जाके कोई बात खुली थी हिंदी रैप का, जितना खुल रुका था। तो मतलब बेसिकली ये था कि उनको काम हम सबका पसंद आया था और सभी गए थे। फिर बाद में वहाँ पे देखो ऐसा होता है कि जब एक ग्रुप तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता, अगर तू तेरा कैमरा वाला भाई, भाई आपका नाम क्या है, पुलकित शर्मा, पुलकित शर्मा जी पूरे नाम से, शर्मा जी, तो शर्मा जी, जोन्स भाई, विवेक भाई बैठे हैं यहाँ पे, तुम तीनों, तुम तीनों मेरे साथ साथ काम करने आए, और तुम में से अगर मेरा एक भी फेवरेट बन जाता ना तो बाकी को दिक्कत होने लगती। अगर तू यहाँ बैठा है सीधी सी बात, और अगर मैं तुम्हें कहता हूँ तू रोज स्टूडियो आ जा रहा है, तू रोज स्टूडियो जा रहा है, और बाकी के जो दोस्त थे साथ में क्रू में थे वो रोज नहीं आ रहे, उनको फोन करके कि आज तुम रह दो, मुझसे पूछ रहे तुम्हारा था मैं स्टूडियो। तो यार गलती ये, वो उम्र ऐसी होती है कि बंदे को लगता है कि या तो मैं पीछे से कोई ऐसी बातें कर रहा हूँ कि मेरे को अकेले बुला रहे, पर वो एक बहुत प्यारी डिवाइडेड रूल पॉलिसी थी, बहुत प्यारी। बादशाह भाई हमारे माफिया मंडी ज्वाइन करने के बाद डेढ़ साल तक हमसे नहीं मिले, ना कभी मैसेज पे बात हुई। वो तो जब मेरा हनी भाई के साथ पहला कांड हुआ था ग्रुप शो वाला, प्रॉपर ग्रुप शो से पहले दूसरा कांड था, वो तो बहुत ही भाई याद था, वो छोड़ किसी और के सेट पे भगत सिंह वाला गाना शूट करता था, निशान दुल्लर का, उसी के सेट पे मेरा शूट कर दिया छोटा सा ट्रोमा पे, और गाना था मैं कुछ दिनों की बात है, वो शूट हो गया, वीडियो भी कह रहा था इंटरनेशनल रिलीजर में गाना आएगा, शायद मेरे पास वो गाना होगा, मैं ढूंढ के निकाल रहा हूँ। तो वो हुआ, खत्म हुआ, अगले दिन सीधा बस चढ़ा दिया, बस वाले को मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा भाई मुझे घर तक छुड़वा दो, मेरे दोस्त आएंगे उनको पैसे देना, पर वो बस वाला इतना बढ़िया था यार, उस बंदे ने मैं बोला तेरे चेहरे पर ना कोई रौनक है तो कुछ बनेगा, सब उसे भी खिलाई भाई ने, चाय भी पिलाई और पैसे भी नहीं लिए बस इतना दिख कर गया। फिर भाई नाराज था, पर मेरे पास और कोई जगह भी नहीं थी जाने की, मगर ऑनेस्ट वाली बात बताऊँ, फिर डॉप शो वाला सीन हुआ, फिर हम इतने इन्वॉल्व हुए इंटरनेशनल रिलीजर करने में कि रात रात बैठे हुए हैं, प्रीत हरपाल पाजी पहली बार मेरे को अली के स्टूडियो में मिले, दिलजीत पाजी पहली बार अली के स्टूडियो में मिले, जस्सी सिद्धू, जस्सी सिद्धू ने, जस्सी सिद्धू पाजी से हम मिला नहीं, जस्सी नेशनल रिलीजर समझिए, जस्सी जसराज, जस्सी जसराज भाई, वो नाम चेंज हो गया ना मेरे को पहले आ गया था, वो मिले, और मतलब इन लोगों से मैं वहाँ पे मिला था, पर कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इनके साथ काम करने का मौका हो या कुछ भी हो,
डोप शोप हुआ सब कुछ हुआ, वही वाली बात की शूट करेंगे ये करेंगे फलाना करेंगे, तो मेरे को लेके नहीं गए कि फ्लाइट फूल थी भाई, मेरे पास तो फ्लाइट पकड़ने के पैसे नहीं थे, पर एक चीज़ थी मेरे पापा रेलवे में। हाँ भाई तो कहीं उसकी किचन में बैठ के निकल गया, सेट पे पहुंच गया सरप्राइज। तो एक दो सेकंड में शॉट है मेरा आज है ना, वो मैं मानता हूँ कि मैं बर्थ इट है, हक है, अगर वो भी ना होता तो शायद बिल्कुल ही लोग बिलीव ना करते कि भाई मेरा कोई योगदान था। पर शायद मेरे ख्याल से जो लोग बहुत बड़े बड़े अपने आपको फैन बताते हैं मेरे या किसी और सिंगर के, उनकी बातें भी लोग कहते हैं कि भाई इसको गाना सुना है, कहना है कितनी बार तो मेरे साथ होता है मेरे को बताना पड़ता है कि भाई ये इसका नहीं फलाने और बस। हाँ ये सही बोल, बहुत कॉमन बात है, नहीं पता होता। डोप शॉप के अंदर एक लाइन आती है ना, ए ए कूड़ी ए, वो मेरी आवाज़ है, वो बहुत लाउड करी हुई है, वो है, वो अलग से पता लगती है कि वो हनी नहीं है ना कि बीट मनी की है, वो बीच में आवाज़ है। अगर आप मेरे को इतने टाइम से सुन रहे हो तो आपको पता लग जानी चाहिए। अब बहुत गोलू जैसा है तो बहुत ही गोलू जैसा है। हां तो बस तो उसके बाद फिर इतने सारे कांड फिर आपने ये कांड में भाई मैं तो बागी आदमी हूं हमेशा से, जैसे मैंने बनाया मैंने लड़ना है सीखा, फीका पड़ जाए अटकाने वाला झूठ वाला कुत्ता नहीं मैं उसका। मैं अलग हुआ, मेरे को बादशाह भाई ने बोला कि यार तू मेरे को निकाल और इस बात ये मैंने स्टोरी सुनी है, मैंने किसी बड़े बंदे सुने की उन्होंने बोला कि मेरे को निकाल लिया, क्योंकि दो साल पहले से देखो हमसे भी दो साल पहले से थे गाना है गेटअप जवानी, ठीक है गेटअप जवानी से पहले भाई बोला गया कि अच्छा यार तेरा नाम पुराना हो गया है इसको शाह कर देते, तो ये बड़ा भाई छोटे भाई को बोल रहा है कि शाह कर देते, भाई ने कहा ठीक है शाह कर देते, शाह अच्छा हुआ शाह वॉल्यूम 2 अच्छा हुआ वॉल्यूम 1 दिस इज न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, भाई ने कहा ठीक है वीडियो भाई हनी सिंह फीचरिंग शाह नीचे लिखा है, हनी सिंह फीचरिंग कश्मीरा शाह, तो अगर बादशाह भाई वीडियो में है तो भी वो प्रेजेंस नहीं है, और मीडिया बहुत प्यारी है यार, मैं बोल रहा हूँ 15 दिन मेरी किसी भी बड़े न्यूज़पेपर में लगातार फोटो छापते फ्रंट पेज पे कि ही इज द यंग आइडल ऑफ इंडिया, उसने फलाना किया, इसकी ये मूवी आ रही है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो मैं लिख के दूंगा, कुत्ते का बच्चा अगर घर के नीचे मेरे 25-30 लोग हर घंटे का खरीदना स्टार्ट हो, इट्स हाउ यू प्रोजेक्ट पीपल यार। कोई वो जमाना था जब नमाज होती डॉक्टर, ठीक है कोई पूछता, मेरे ख्याल से मैं ही ना पूछता झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है क्योंकि वो शक्ल से ही नहीं लगता डॉक्टर आज की डेट में वेल रिस्पेक्टेड अंडरडॉग, और लोगों को तो अंडरडॉग वाली स्टोरी पसंद ही बहुत है, तो दुनिया बहुत बदल लेती है अपने आप को यार, इसलिए ना किसी की सुनो ऐसी की तैसी बजाय। मेरे ख्याल से शायद एक मैं ही आर्टिस्ट होगा, एक और भी होंगे कवर, एक मैं होगा जो वापस खुल के बात करता है, ट्विटर पे गाली देना स्टार्ट कर देता है, जवाब दे देता है, क्योंकि भाई मेरे को डरने के लिए है नहीं कुछ, और उनमें से किसी ने भी मेरे घर रोटी नहीं डाली है। सही सीधी सी बात है, कश्मीरा शाह हो गया बादशाह, फिर बादशाह भाई आपके बादशाह भाई को तब पकड़ आ गई थोड़ी सी क्योंकि ये दोनों गाने के तो हमारी एक अलग सी इमेज बन गई है, बहुत ही गाने बहुत ही बढ़िया थे। मैं तो एक बात मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि बादशाह भाई ने मजबूर कर दिया, हनी ने आज तक मेरे को जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये बुलाया कि उन्होंने उस पर कमली का भी एक गाना है जो रिम से, उसकी वीडियो में साथ है, उस वीडियो में मेरे साथ आप देख लेना, वीडियो देख लेना इतना ध्यान से कर रहा हूँ कि मैं रैप कर रहा हूँ पर शॉक में रिम से वाइल में रैप इज गोइंग ऑन पीछे वो फोकस ही हट जाता, थोड़ा सा ब्लर फोकस ही हट जाता, ओके मुझे नहीं पता किसका काम, मुझे नहीं पता किसका काम था, वो वीडियो डायरेक्टर का काम था सिंगर का काम था, पर आज की डेट में जो करण राव जो वीडियो डायरेक्टर है जो रेंज से हैं दीदी उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, और पुरानी बातें पुरानी हैं, मैं इन चीज़ों को नजरअंदाज करता हूँ क्योंकि मेरे को उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक्सपेक्टेशन किससे थी इसलिए मैं नाराज हूँ। अब जवाब नहीं देना चाहते आप मेरे को अपने बराबर ठीक
पर ये तो तुम नहीं कह सकते ना, तुम मेरे को जानते ही हो भाई। आप अपने गानों में भी थरपाल का गाना शराबिया, हनी सिंह के मुंह से निकली हुई आवाज है या तो मेरी आवाज है, मैं बोल रहा था कि बी गॉड प्री हनी सिंह रफ्तार, और उसमें जो गाना था ना क्लच द बीट क्लच द बेस, मेरी आवाज है रैप ऑन द रैप। किसको करना चाहिए था वीडियो में, बात खत्म हो जाती है यार, मैं कितनी सफाई आती हूँ। और आज के बाद इराज जोन्स के शो में आप बोल रहा हूँ कि मुद्दा दबा दो, क्योंकि मैंने मुद्दा दबा दिया, खत्म करो आप गाने सुनो, आर्टिस्ट वही आपको देता है बस। ये बात खत्म हो गई, अब लोग कहते हैं कि गाने में नाम आ जाता है, और मेरे को पता नहीं क्या वो है कि मैं कुछ भी करता हूँ घूम फिर के मीडिया ही घुसा देता हूँ। हाँ, मैं बोलूँ ना बोलूँ वही मैं बोलूँ, मैंने वही बात बोली। हाँ बोलो, जैसे मैं बोला अभी ये रॉयल्स और वो मामला हुआ ठीक है, उसमें आपने बोला स्टेज पे यार वो वाली बात, तो देखो सीधी सी बात है यार, मेरा भाई है तो मेरा भाई है, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। हम उनमें से नहीं है कि हमें किसी और के पंगे लेंगे, किसी और का पंगा नहीं है, बादशाह भाई का, बात खत्म हो गई थी। पर बहुत बड़ी बात है, बादशाह भाई ने भी मजबूर कर दिया कि आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, पर हनी को बोलना पड़ा कि मैं ऑल स्टार्स में जाता हूँ। सेम बात हनी ने एक बार मैच पाजी को बोली थी कि भाई क्या पौधे से काम करा रहे हो, बोतल से करा रहा। अच्छा, पर ये बात का कभी जिक्र नहीं, पर ये है, ये चीज हुई थी। पर जो भगवान लास्ट में बात करते हैं, आप क्या निकल कर, मैं एक बार आर्टिकल्स पढ़ रहा था, मैंने काट के ऑफिस में रखे हुए हैं। जब ये मामला हुआ था रॉयल्स और नेहरू वाला, तो उसमें आप बोलते हैं कि इनसिक्योर ले लिया ठीक है भाई, मैंने नहीं बोली थी कि एस्टीमेट छपा है सबसे कम। हाँ, सबसे कमाल की बात मैंने बोला था कि ये अगर बंदा स्टेज पे आके ये बात बोलता है, उनकी पोजीशन पे आके हनी पोजीशन पे जाके ये बात बोलना ना कि मैं रॉयल्स और शो टाइम बना लूंगा, ये गर्व वाली बात हो जाती है भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, इसे ईगो ही कहते हैं। उस साल का सबसे बड़ा गाना बादशाह का, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैं अपने फैक्ट्स डिनाई नहीं करता, मैं हाँ कहता हूँ कि भाई मेरा ये चला ये नहीं चला ये चला ये नहीं चला, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं थोड़ा मैं फलाना ना बादशाह भाई की आदत है। पर उस साल का सबसे बड़ा गाना कौन सा था, अभी तो पार्टी शुरू, उसके बाद कौन सा गाना था, और वो दोनों गाने सबसे बड़े गाने थे मेरे ख्याल से, और भी कोई डिनाई नहीं करेगा, ये दो गाने कोई डिनाई नहीं करेगा ना। और उस साल का हमने सबसे बड़ा गाना कौन सा था जल्दी बोल, बस ठीक है। अब ये अब तू बायस कर नहीं हो रहा, बायस हूँ मैं सब, सीधी सी बात, सीधी सी बात, उस साल की रियलिटी क्या है, आपको आपको मैं कैसे कर रहा, बादशाह वाज द बिगेस्ट। हाँ ठीक है, और यार उसके बाद ये बात बोलना कि रॉल्स रॉयस और नैनो में फर्क होता है, मेरे ख्याल से हर पिक्चर में उस टाइम फिर बादशाह वाई का ही गाना एग्जैक्टली जैसे 2012 में हनी के साथ हो रहा। कामयाबी के लिए एक बहुत खास चीज़ है कि पिरामिड होता है कामयाबी, आप जितनी तेज यहाँ जाते हो ना उतनी चीज़ आपको या तो यहाँ आना पड़ता है, यहाँ आप अपना आराम से यहाँ रहो, और आपको जगह देनी पड़ती है किसी और, क्योंकि जो थ्रोन है ना वो ट्रेंड के साथ ट्रेंड चेंज होता रहता है यार, हर बंदे को जगह छोड़नी पड़ेगी। पहले हनी भाई का टाइम था, उसके बाद बादशाह भाई आए बहुत बड़े हुए, क्या पता कल को मेरा टाइम है, नहीं तो किसी और का होगा, पर बात सबका आता है। हाँ, क्योंकि जनता भी बोर हो जाती है यार, कितने दिन दाल खाएगा, नहीं जेन्युइन बात होगा सुनो, और हो जाता है यार, आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो आपको हर गाना सेम लगने लगेगा, डीजे मस्ट हो कितने बड़े भी प्रोड्यूसर है, बट एवरी बीट ऑलमोस्ट साउंड्स द सेम, पर वही उसका ट्रेडमार्क है, बट यू मूव आउट ऑफ इट। इस हिसाब से होता तो मेरे ख्याल से आज भी सिर्फ माइकल जैक्सन के गाने ही रीप्ले पे प्ले होते रहने चाहिए, कोई और आर्टिस्ट आना ही नहीं चाहिए, तो ये वाली बात हो गई कि मतलब कोई और आना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आप पार्टी का आपके छत रहते हैं, जो अभी जैसे आप लेटर छपा था कि मैं हनी भाई का दोबारा काम नहीं करूंगा, एक और छपा था आपका कि हनी सिंह सिर्फ मैं उनको कंसिडर करता अपना बड़ा। यार देखो सीधी सी बात है, मेरी जिस मेरी अगर कोई लड़ाई है ना तो पर्सनल रीजन से है, और वो इसलिए है क्योंकि मेरे साथ है, मेरी माँ की आंखों में देख के बोला गया था कि आंटिया फर्क चिंता ना करो उसका ख्याल रखो ठीक है। लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी कि बोल दिया, पर मेरे लिए मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी चीज़ है यार। okay. मेरे मॉम डैड तो मेरे लिए अलग ही चीज़ है, देखो ना मैं क्या बोला। हाँ, मेरे पास कोई रीज़न है क्या, सब कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, मैंने कभी झूठा दिलासा नहीं दिया आज तक अपने घर आज तक। तो होता है कि यार ना, एक तो छोटे घर से किराए पे जी रहे हैं, किसी ने सहारा दे दिया एंड यू ट्रस्ट हिम कि हाँ बेटा वो मेरा बेटा है, हाँ तू करेगा, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने रोई थी बस वही, और आज का दिन है कि लड़ाई नहीं भी करूँगा तो माफ भी नहीं करूँगा जिसको दिक्कत है सोचता है जी। ये चैप्टर खत्म करते हैं इसके बाद। अच्छा आप एंड भाई मेरी तरफ से सारे प्रे कर लेना कि हनी भाई की वेल्थ और हेल्थ और सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, वेल्थ तो बहुत ही होगी माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया, हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाए और फिर मज़ा आएगा थोड़ा कॉम्पिटिशन में वापस, मज़ा आएगा। बादशाह भाई से मैं लड़ नहीं सकता ना, प्यार ही इतना है, पर कोई वैलिड रीजन भी नहीं है, क्या बोलूँगा मैं उनको, बोलूँगा क्या जी।